दोस्तों सोचो, अगर किसी इंसान की जिंदगी इतनी तेजी से चलने लगे कि एक मिनट में शादी और दूसरे मिनट में बच्चा, यानी कि दो मिनट के अंदर एक पूरा साल बीत जाए, तो सोचो कि उसकी जिंदगी कैसी होगी। तो कुछ इसी तरह की मूवी आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी की शुरुआत में हम टेडी नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो कि न्यू ईयर से कुछ मिनट पहले अपनी गर्लफ्रेंड को न्यू ईयर विश करने जाता है और वो एक लड़की को किस करता है जो कि उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी, बल्कि इसका नाम लियाना होता है। टेडी उस लड़की से माफी मांगता है, लेकिन जब वो किस कर रहा था तब लियाना के मुंह में जो खाना था वो टेडी के मुंह में चला गया था। शायद टेडी को उस खाने से एलर्जी थी, इसलिए उसकी तबीयत खराब होने लगती है। तभी वहां पर बेका आ जाती है, जो कि टेडी की गर्लफ्रेंड है। बेका के आने के बाद वो लियाना के साथ होने वाली किसी भी घटना को नहीं बताता। साथ ही टैडी की तबीयत और ज्यादा खराब हो रही थी, इसलिए लियाना उसके लिए एक दवाई लेकर आती है। अब दवाई लेने के बाद टैडी की तबीयत काफी ठीक होती है, तो सबसे पहले वो बेका से ब्रेकअप करता है और लियाना के साथ रहने का फैसला करता है, क्योंकि उसे उसका केयरिंग नेचर बहुत पसंद आया था। टेडी को लियाना इतनी पसंद थी कि उसने उसे जल्द ही शादी के लिए प्रपोज कर दिया। टेडी लियाना को बताता है कि उसने उसे जो अंगूठी दी है वो उसके डैड ने उसकी मोम के लिए अपने हाथों से बनाई थी और वो बहुत ही स्पेशल है। साथ ही वो ये बात बताने के लिए कब्रिस्तान में अपने डैड की कब्र पर जाता है और उन्हें अपने और लियाना के रिश्ते के बारे में बताता है। और तभी वहां पर एक अनजान बूढ़ी लेडी आती है और वो टेडी से पूछती है कि तुम दोनों शादी कब कर रहे हो। इस पर टेडी कहता है कि अभी हमने कोई डेट डिसाइड नहीं की है, क्योंकि अभी तो बहुत समय बाकी है। तभी वो लेडी कहती है कि सोचो, अगर चुटकी बजाते ही साल खत्म हो जाए तो कैसा रहेगा। इस बात का टेडी के पास कोई जवाब नहीं होता। इस बात पर वो लेडी उसे कहती है कि तुम्हें जो भी करना चाहिए वो जल्दी ही करना चाहिए, क्योंकि काम और समय दोनों की कोई वैल्यू होना बहुत जरूरी है। ये बात टेडी को समझ में आ जाती है और वो अगले दो हफ्तों के अंदर ही लियाना से शादी कर लेता है, और ये शादी भी काफी ग्रैंड होती है। इस शादी में टेडी का फ्रेंड शॉन भी एक अच्छी खासी स्पीच देता है, और शादी के बाद ये दोनों अपने नए घर जाते हैं, जो कि इन्होंने अभी हाल ही में खरीदा है। उस शादी में वो लेडी भी आई थी और उसने उसे एक गिफ्ट दिया था, इसलिए सबसे पहले टेडी उस गिफ्ट को खोलता है, जिसमें उसे एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था कि तुम इस गिफ्ट को 10 साल बाद खोलना। टेडी उस गिफ्ट को थोड़ी देर के लिए रख देता है और इसके बाद वो लियाना के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर ही रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सीन बदल जाता है और टेडी सोकर उठता है। सोकर उठने के बाद तो वो काफी चीजें देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके घर की हालत और सारी चीजें काफी बदल चुकी हैं, जो कि कल रात वो हनीमून पीरियड को सोच रहा था अब बिल्कुल अलग समय में पहुंच जाता है। तभी उसके सामने लियाना आती है, जो कि प्रेग्नेंट थी। उसे देखकर टेडी पहले तो हंसता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि लियाना उसके साथ मजाक कर रही है, क्योंकि उन दोनों की शादी तो कल ही हुई है और ये कैसे पॉसिबल है कि लियाना 8 महीने से प्रेग्नेंट है। लेकिन जल्द ही उसका प्रैंक वाला भ्रम भी टूट जाता है। अब वो लियाना के पेट को देखता है, जिससे उसे समझ में आ जाता है कि लियाना वास्तव में प्रेग्नेंट है। इस पर लियाना उसे अपनी शादी की डेट दिखाती है और उसे कहती है कि आज हमारी एनिवर्सरी है और वो 8 महीने की प्रेग्नेंट है। ये सब सुनकर टेडी को काफी अजीब लगता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। टेडी का बिहेव देखकर लियाना सोचती है कि शायद इसे एनिवर्सरी याद नहीं रही होगी, इसलिए टेडी इस तरह की हरकत कर रहा है। एनिवर्सरी गिफ्ट के तौर पर लियाना टेडी के लिए कलर पेपर लेकर आती है और उसे अपने बच्चे के रूम में पेंट करने के लिए कहती है। ये सुनकर टेडी को काफी अजीब लगता है, क्योंकि उसे तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी लियाना उसे लड़ने लगती है और टेडी नहीं चाहता था कि इन दोनों के बीच में फाइट हो, इसलिए वो पर्पल कलर चूज करके फिर से सोने के लिए चला जाता है। अब जैसे ही फिर से टेडी की आंख खुलती है तो वो देखता है कि अब लियाना प्रेग्नेंट नहीं है। उसे प्रेग्नेंट ना देखकर वो बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो इससे पहले जो देख रहा था वो सब सपना था। तभी लियाना उसे बताती है कि तुम किस भ्रम में जी रहे हो, हमारा बच्चा दूसरे रूम में है टेडी। और वो उसे देखने भागकर रूम में जाता है, तो उस रूम में उसकी एक बेटी होती है और वो तभी अपना इंस्टाग्राम पिक निकाल कर देखता है तो फिर से एक साल बीत चुका होता है, जिसमें उसकी बेटी पैदा हो चुकी थी। लियाना अपनी बेटी को टेडी की तरफ करती है, लेकिन टेडी उसे नहीं लेना चाहता था। फिर भी लियाना जबरदस्ती अपनी बेटी को उसके पास छोड़ देती है। टेडी बेटी को मिलकर काफी खुश होता है, लेकिन उसे अपनी बेटी का नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। वो अपनी बेटी का नाम चेंज करने के लिए कहता है। अब लियाना उसे वो टी शर्ट दिखाती है जिसमें उन तीनों का फोटो होता है, जिसे देखकर टेडी उससे कहता है कि ये फोटो हमने पक्का हनीमून पर ली होगी। ये सुनकर तो लियाना का दिमाग घूम जाता है, क्योंकि वो दोनों कभी हनीमून पर गए ही नहीं थे। ये सुनकर लियाना उसे कहती है कि तुम काम कम किया करो, क्योंकि तुम बच्चे और हनीमून को पूरी तरह से भूल चुके हो और कुछ भी अजीब बात कर रहे हो। इसलिए टेडी उस बात को घुमाने के लिए कह देता है कि कुछ पैसे और कमा लेता हूँ, उसके बाद मैं पक्का ये काम छोड़ दूंगा। टेडी इस बार भी अपनी एनिवर्सरी भूल चुका था, इसलिए टेडी अपनी दोस्त सैम को कॉल करता है और अपने फोन में एनिवर्सरी का रिमाइंडर सेट करके उससे एक गिफ्ट लाने के लिए कहता है। इसी दौरान एक साल और बीत जाता है। अब जैसे ही सैम उसके घर पर आता है, टेडी सैम को सब कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन सैम को कुछ भी समझ में नहीं आता। घर आने के बाद टेडी अपनी बेटी तुला के पास जाता है और तुला उसे डैडी कहकर पहली बार बुलाती है। इस पर वो काफी खुश होता है और वो ये बात वो लियाना को बताता है।
लियाना उसे कहती है कि डैडी उसका फर्स्ट वर्ड नहीं है बल्कि ये बार बार शब्द है। अब लियाना को उस पर गुस्सा आने लगता है क्योंकि टेडी को तो उसकी कोई भी बात याद नहीं थी और ना ही वो परिवार को अच्छे से टाइम दे पा रहा था। साथ ही वो उसे सुनाते हुए कहती है कि हमारा काउंसलर भी यही कह रहा था कि तुम्हें हमें टाइम देना चाहिए। इस बात से टेडी को समझ आ जाता है कि उनका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है। जाने से पहले लियाना टेडी को एक वॉलेट गिफ्ट करती है और इसी तरह एक साल और बीत जाता है। फिर से सैम के फोन में रिमाइंडर बजता है, इसलिए वो उसके घर पर पहुंच जाता है। घर पर पहुंचते ही सैम ने टेडी को बताया कि वो और लियाना एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, लेकिन टेडी को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब उसका दिमाग और ज्यादा खराब होने लगता है। साथ ही सैम उसे अपने प्रॉब्लम के बारे में बता रहा होता है, लेकिन टेडी उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता। तभी वो उससे पूछता है कि लियाना कहाँ पर रहती है, तो टेडी कहता है कि थोड़ी ही दूर पर लियाना का घर है। इसलिए टेडी उसे कॉल लगाता है और उसे एनिवर्सरी विश करता है। ये सुनकर उसे बहुत हैरानी होती है कि पहली बार उसने एनिवर्सरी को सही समय पर विश किया था। लियाना उसे पूछती है कि क्या प्लान है, जिस पर वो कहता है कि आज शाम को हम फ्रूट्स खाएंगे। तो उसकी ये ट्रिक काम कर जाती है क्योंकि उसने कुछ अलग ही बोला था। अब इससे पहले कि फोन कटता, टेडी सैम से फ्रूट लाने के लिए बोलता है और ये सारी बात लियाना सुन लेती है और वो उसके घर पर आने से मना कर देती है। इसके बाद टेडी जैसे ही फ्रिज की तरफ जाता है, तभी फिर से एक और साल बीत जाता है। अब हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसे टेडी किस करता है और ये लड़की लियाना नहीं बल्कि वेका होती है। उसे देखकर टेडी हैरान हो जाता है। अब हमें पता चलता है कि टेडी ने शराब के नशे में वेका को मैसेज कर दिया था और वेका भी अपने हस्बैंड से दूर रहने लगी थी, इसलिए वो सीधे टेडी के घर पर आ गई थी। अब वो उसे जबरदस्ती किस करने लगती है। तभी दरवाजे पर लियाना आ जाती है। टेडी वेका को बाहर बालकनी में छिपा देता है और जैसे ही लियाना घर के अंदर आती है तो वो टेडी से माफी मांगती है और उसे कहती है कि वो भी टेडी से बहुत प्यार करती है। ये दोनों एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं, तभी लियाना के हाथ वेका की ब्रा लग जाती है और वो पूछती है कि इस घर में कौन लड़की है, जिस पर पहले तो टेडी मना करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वेका की चीख निकल जाती है और वो लियाना का शक यकीन में बदल देती है। वो इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और टेडी से कहकर जाती है कि आज के बाद तुम मुझे मैसेज और कॉल मत कर देना और जो मैंने डाइवोर्स पेपर तुम्हें भेजे हैं ना, उन पर सिग्नेचर करके भेज देना। इसी बीच अब एक साल और बीत जाता है। अब हम देखते हैं कि वेका उसी घर में रहने लगी है और उसने अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले लिया है। वेका को देखकर टेडी फिर से काफी परेशान हो जाता है और वो सैम को कॉल लगाता है और साथ ही वेका से ब्रेकअप करके उसे उसके घर जाने के लिए कहता है। वेका भी उसकी बात को अच्छे से समझ जाती है और क्योंकि वो भी मन ही मन अपने हस्बैंड को नहीं भूल पा रही थी और वेका चाहती थी कि टेडी अपनी वाइफ लियाना के पास पहुंच जाए। तभी वहां पर सैम आ जाता है और सैम की हालत बेहद खराब होती है। टेक्निकली तो टेडी को इस बारे में पता होना चाहिए था कि सैम को स्किन कैंसर है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता होता और ये जानकर उसे काफी दुख भी होता है। इसके बाद ही सीधे लियाना के घर पर जाते हैं, जहां पर लियाना के कुत्ते को मिलकर टेडी काफी खुश होता है और लियाना के घर की तारीफ भी करता है। लियाना सोच रही थी कि शायद टेडी ने डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दिए हैं, लेकिन वो किसी भी डाइवोर्स पेपर पर साइन करने से मना कर देता है। इस पर लियाना काफी गुस्सा हो जाती है और वो अपने कुत्ते को लेकर घर के अंदर चली जाती है और उसे वापस न आने के लिए कहती है। जैसे ही टेडी अपने कदम पीछे खींचता है, इसी तरह एक और साल बीत जाता है और उस पैर को पीछे रखते ही वो एक पुल में गिर जाता है। तभी लियाना के घर से एक आदमी बाहर निकलता है। इस आदमी का नाम पैट्रिक होता है और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि लियाना का न्यू बॉयफ्रेंड था। लेकिन अभी भी लियाना और टेडी का डाइवोर्स नहीं हुआ था क्योंकि टेडी ने डाइवोर्स पेपर पर साइन नहीं किए थे। पैट्रिक, जो कि लियाना का नया बॉयफ्रेंड था, उसने सिर्फ तुला से मिलने के लिए ही टेडी को घर के अंदर एंट्री दे रखी थी। साथ ही टेडी दिखाता है कि लियाना ने उसकी दी हुई अंगूठी भी अब कहीं गुम कर दी है। जैसे ही फिर से लियाना को पता चलता है कि टेडी ने डाइवोर्स पेपर पर साइन नहीं किए हैं, उसे वो घर से बाहर निकाल देती है और इसी तरह एक साल और बीत जाता है। हम देखते हैं कि टेडी कुत्ते के साथ बीच पर बैठा हुआ होता है और उसकी दाढ़ी बहुत बढ़ चुकी है। तभी उसके साथ में एक लड़की भी होती है, ये कोई और नहीं बल्कि तुला उसकी बेटी थी। उसे देखकर वो काफी खुश होता है और उसके साथ पूरा दिन बिताने के बाद जैसे ही उसे शाम को घर छोड़ने जाता है, तो वो अपनी बेटी तुला से कहता है कि हमेशा तुम्हें अपने सपनों के पीछे भागते रहना चाहिए। और अब लियाना घर से बाहर आ जाती है और उसे कहती है कि तुम्हारे ऊपर ये दाढ़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, तुम अपनी दाढ़ी काट दो। जिस पर टेडी कहता है कि हाँ, मैं अपनी दाढ़ी काट दूंगा, लेकिन तुम्हारा बॉयफ्रेंड पैट्रिक कैसा है? जिस पर लियाना बताती है कि उन दोनों के बीच अब कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हैं। ये सुनकर टेडी को काफी अच्छा लगता है। अब तुला को लेकर लियाना घर के अंदर चली जाती है। तभी टेडी को याद आता है आज उनकी शादी की सालगिरह है। वो उसे एनिवर्सरी विश करने ही वाला होता है कि तभी एक और साल बीत जाता है। अब एक साल बाद टेडी सैम को कॉल करता है तो उसका फोन कोई रिसीव नहीं कर रहा था, इसलिए वो अपनी इंस्टा आईडी खोलकर देखता है, जिससे पता चलता है कि सैम की तो स्किन कैंसर की वजह से कुछ समय पहले ही मौत हो गई है। सैम की मौत से वो काफी दुखी हो जाता है, इसलिए वो उसकी कब्र पर जाकर माफी मांगता है कि वो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाया था।
तभी वहां पर वो अनजान बूढ़ी लेडी आती है और उसे कहती है कि उसने ही उसे श्राप दिया था ताकि उसे अपने समय की वैल्यू हो, और ऐसा होता भी है। तभी वो भाग कर लियाना के पास जाता है और लियाना से माफी मांग कर फिर से उस रिश्ते को सही करने की कोशिश करता है। जैसे ही दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, तभी दिन वहीं से स्टार्ट हो जाता है जिस दिन टेडी की शादी हुई थी। इसके बाद सब नॉर्मल होने लगता है। यहीं पर वो लेडी बताती है कि उसने उसे एक गिफ्ट दिया था जिसके अंदर रेत थी, जिस पर लिखा था कि इसे 10 साल बाद खोले। ये एक जादुई गिफ्ट था जिसे खोलने के बाद उसका समय तेजी से बीतने लग जाता है और उसकी दुनिया पलट कर रह जाती है, ताकि उस आदमी को वक्त की वैल्यू समझ में आ जाए। और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।